कोरोना वायरस जो वर्ल्ड लेवल पे फैल रहे उसको हम रुकाने का है। अब जो हिंदुस्तान में जो स्टेप्स ले रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका साथ हम सब रहना पड़ता, क्योंकि ये महामारी है। जैसा वेस्टर्न कंट्रीज है, इटाली, फ्रांस, अमेरिका, जो हमारे से बहुत आगे है मेडिकल इसमें, फैसिलिटीज में, इसमें वो लोग तड़प के हर दिन हजारों लोग जान दे रहे। इसलिए अब हिंदुस्तान में 21 दिन का लॉकडाउन कल खत्म होते, उसके बाद जो मई 3 तक जो बढ़ाया उसको भी हम अप्रिशिएट करना पड़ता, क्योंकि अब करीबन 10,000 का ऊपर गया। अब गुलबर्गा में मेरा जहाँ तक नॉलेज सही है, आज 3 नया केसेस आया, कल भी नया 3 केसेस आया, हर दिन बढ़ रहे। इसलिए गुलबर्गा का आम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ये कोरोना वायरस है, ये महामारी है, इसको कोई जात नहीं, पात नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं, क्या भी नहीं है, हर आदमी को फैल सकते। और एक मेरा को आम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिसको भी इसका सिम्टम्स आया, जिसको जो कोरोना वायरस का सिम्टम्स सबको मालूम है, ऐसे सिम्टम्स आए तो इसको डरने का बात नहीं है, छुपा के नहीं रखना। हम छुपा के मकान में रहे तो हमारा मकान वालों को, हमारा माँ बाप को, बहन को, बेटे को, बेटे को हम फैलाते। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हमारा गलती से नहीं आ रहे, ये वायरल डिसीज है, कहाँ तो हाथ लगाए तो आने वाला डिसीज है, इसको डरने का नहीं है। इसलिए हम डॉक्टर्स को जाके ESI हॉस्पिटल में अच्छा फैसिलिटीज बनाए, वहाँ जाके ट्रीटमेंट करके, फिर ये ट्रीटमेंट होके देखो इसमें डेथ खाली 3% 4% लोग मर रहे, जो दूसरा 96-97% रिकवरी होके मकान को आ रहे। इसलिए डरने का बात नहीं है, हम छुपाने का बात भी नहीं है। इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है गुलबर्गा का आम लोगों को, खेड़े गांव का रहने दो, गुलबर्गा सिटी का रहने दो, हमारा आलंद वाला रहने दो, कोई रहने दो, सब ऐसा सिम्टम्स आए तो इमीडिएटली टेस्टिंग के लिए ESI हॉस्पिटल को आना, फ़ोन करें तो आपका जगह पे ही एम्बुलेंस आते, एम्बुलेंस में आके ESI हॉस्पिटल में टेस्टिंग करके क्वारंटाइन में जाके हम 14 दिन का बाद और एक बार टेस्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ तो भी ट्रीटमेंट होके हम अच्छा होके बाहर आ सकते, नेगेटिव हुआ तो भी हम अच्छा इससे हैप्पीली वी कैन कम बैक एंड एन्जॉय अवर फैमिली लाइफ। इसलिए इसको छुपाना नहीं। और एक चीज़, इसे बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, ये तकलीफ हर आदमी उठाना ही पड़ता, क्योंकि ये लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस छोड़ के दूसरा क्या भी नहीं है। पूरा वर्ल्ड का डॉक्टर्स, वर्ल्ड का साइंटिस्ट कई महीने से सोच रहे इसको क्या तो वैक्सीन करना, मेडिसिन ये करना, रिसर्च कर चल रहा है, लेकिन आज तक इसको कोई मेडिसिन नहीं है। अब मलेरिया का जो ट्रीटमेंट दे रहे वो टेम्प्ररी है, इट इज़ नॉट ए मेडिसिन टू क्योर COVID-19। लेकिन इसको हमारा इम्यूनिटी, हम आत्मविश्वास का साथ, ये हमको नहीं आते, हम आए तो भी हम इसको रुका सकते बोल के हमारा एक सोच अच्छा रहे तो वी कैन कंट्रोल इट। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है आम गुलबर्गा को, खास करके हमारा खेड़े गांव का लोगों को, क्योंकि विलेजर्स बहुत अच्छा तरीका से उनका गांव में उनका बंदोबस्त करे, कोई नया आदमी आया तो उनको ध्यान से देख रहे, उनका देखभाल कर रहे, उनको गांव से बाहर रख के उनका इंतजाम कर रहे, ये वहाँ पे ये हर चीज़ कर रहे बोल के विलेजेस में नहीं फैला। मैं वो लोगों को, किसान लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। अब सिटी लोग भी छुपा के नहीं रहना, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। और एक हमारे को खास करके गुलबर्गा को, अब धूप के सीजन में हमारा ऑफिस सुबह रहता था, हम लोगों को आदत है 1 बजे के बाद हम कभी भी अप्रैल मई में बाहर नहीं जाते ही नहीं, हम उतना धूप रहते। अब धूप का सीजन में हम मकान में बैठना पहला से हम 10-20 साल से हमको एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस रख के हम मकान में ही रहना, इसको दूसरा क्या भी इलाज नहीं है, क्योंकि इसमें जो मोदी और येडियुरप्पा साहब जो डिसीजंस ले रहे हैं ना, इसको कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बोल के मानना, इसको गवर्नमेंट और भारत सरकार का प्राइम मिनिस्टर का संदेश बोल के मानना, इसमें कोई पॉलिटिक्स कोई करने का ज़रूरत नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर आदमी हम गवर्नमेंट का साथ रह के ये करना, क्योंकि मैं इसको अप्रिशिएट करते लॉकडाउन को, क्योंकि ICMR रिपोर्ट था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का रिपोर्ट था, हिंदुस्तान में अप्रैल 1st वीक नहीं तो अप्रैल 2nd वीक में बहुत बढ़ाते
अब अप्रैल 15 का बाद यहाँ पे 4-5 लाख लोगों को इफेक्ट होते बोल के बोले था, लेकिन हम अभी 10,000 में है। ये क्यों कम हुआ बोले तो लॉकडाउन हुआ बोल के हुआ। वी शुड अप्रिशिएट दिस, इसको सोच के हमारा जो भी कारोबार धंधा सब कब बंद हो रहे, किसान का खाली किसान लोगों का डेली वेजेस का नहीं, हर आदमी का काम धंधा बंद हो रहे। लेकिन एक ऐसा महामारी आया, एक क्रिटिकल टाइम आया बोल के हम सोच के हर आदमी मकान में रह के अब देश को इसको साथ साथ रहना, जो जो मेरा और एक गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट है ये होने का बाद, क्योंकि वी शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द पीपल, क्योंकि लोग पूरा साथ दे रहे। खाली प्राइम मिनिस्टर बोले, येडियुरप्पा साहब बोले बोले तो ये लॉकआउट नहीं होता था। लोग भी समझ के गवर्नमेंट का साथ दे रहे बोल के ये कंट्रोल हो रहे। मेरा एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को ये है, ये कोविड का इफेक्ट होने का बाद इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत होते, वो गरीब लोगों को हर दिन का उनका रोज का रोटी कमा के जिंदगी जीने वाला लोगों को तकलीफ होते, उसका बाद गवर्नमेंट शुड कम इन ए बिग वे एंड हेल्प ऑल दिस पीपल टू हैव देयर ओन लाइफ। और एक लास्ट मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं ना उनका देखभाल अच्छा होना। मेरे को कहीं शिकायत ऐसा आ रहा हो जहाँ तक सही है मेरे को मालूम नहीं है, डॉक्टर्स को जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, सेफ्टी मेजर्स है, पहला उसका इस्तेमाल करना। दे शुड बी सप्लाइड इन लार्ज नंबर्स, वो फुल प्रूफ रहना, क्योंकि डॉक्टर को मेरा जान खतरे में नहीं है। आई गॉट परफेक्ट प्रोटेक्टिव डिवाइसेस बोले तो इस डॉक्टर दूसरा पेशेंट को ट्रीट कर रहे ट्रीट कर सकते। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितना भी डॉक्टर्स गुलबर्ग में प्राइवेट गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी ट्रीटमेंट में चल रहे वो डॉक्टर्स रहने दो, सपोर्टिंग स्टाफ रहने दो, नर्सेस रहने दो, वार्ड बॉयज रहने दो, उसको पूरा सेफ्टी मेजर्स कंप्लीटली देना, जब भी वो लोग खुला होके इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसलिए और एक बार मेरा आम गुलबर्ग का लोगों को, खास करके हमारा अलन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, दिस इज अ क्रिटिकल टाइम, इसको हम गवर्नमेंट का साथ देना। ये होने का बाद हम आप मिलके हम लोगों का जिंदगी कैसा बनाना बोल के सोचे। कई सिविल सोसाइटी लोग, कई एनजीओस वो बाहर आके खाना बांट रहे, कई चीज़ों बांट रहे, आप व्हाट्सएप में देखे, फेसबुक में देखे, जितना लोगों को देखे वो बहुत कम है। इसमें बहुत बहुत बड़ा संख्या में लोग वो है, हमारा फोटो नहीं आना, हम बांटने का चीज़ का साथ हमारा फोटो नहीं आना बोल के छुपा के बहुत लोग बहुत बड़ा सेवा कर रहे। आई अप्रिशिएट देम। वो फेसबुक में नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप में नहीं आ रहा है, कहाँ भी नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया में कहाँ भी नहीं, फोटो नहीं होना, क्या भी नहीं होना बोल के आम लोगों को हेल्प कर रहे। ऐसा लोगों को मैं शुक्रिया अदा करते, भगवान अल्लाह उनको उनको पूरा दुआ देना। ये क्रिटिकल से टाइम है, सब लोगों को जो गरीब लोग है हमारा आस में रहते, पास में रहते, हमारा पास काम करने वाला रहने दो, कोई रहने दो, उनको क्या तो हेल्प रहे, तो हमारे हाथ में जितना ताकत है उतना करना, वो भगवान का सेवा है बोल के समझ के वी शुड कोऑपरेट विथ ऑल नीडी पीपल।